खबर करौली के लांगरा थाना क्षेत्र से है, जहां सांकरा गांव में चार बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों की मौत की सूचना पर गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने मछली पकड़ने के जाल की सहायता से शवों को बाहर निकलवाया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि दो भाइयों के चार बच्चे गाँव के तालाब पर भैंसों को पानी पिलाने गए थे, वो तभी तालाब में नहाते समय यह हादसा घटित हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच करने में जुटी है। बता दूं कि घटना करौली में हुई, जहां पर तालाब में चार बच्चों के डूबने से मौत हो गई और इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसर गया। जिसको भी ये खबर सुनी उसके दिल दहला देने वाली खबर थी और उसके बाद ग्रामीणों ने जाल की सहायता से इन सभी शवों को बाहर निकाला। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तालाब में डूबने से चार बच्चों की दर्दनाक स्थिति में मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। सांगरा थाना क्षेत्र के सांकरा गांव का यह पूरा मामला है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शाम को 5 बजे चार बच्चे भैंसों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले गए थे और वहाँ से भैंस को शाम को वापस आ गए, लेकिन बच्चे नहीं रोके तो परिजनों ने बच्चों को तलाश किया। तालाब के किनारे पर बच्चों को कपड़े मिले, परिजनों ने गांव वालों ने उसको डेथ बॉडी को निकाल लिया। उसके उपरांत हमें सूचना दी गई, हम उनके परिजनों तक पहुँचे, समझाइश की गई, पोस्टमार्टम के लिए उनको अस्पताल लेके आए करौली जनरल अस्पताल और आज उनका पोस्टमार्टम करा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।